छात्रों, आज हम आपको DLL फर्स्ट पेपर चतुर्थ सेमेस्टर आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का अध्ययन कराएंगे। कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। छात्रों, आज हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोला जाते हैं, यानी कि जो व्यंजन होते हैं इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और जब तक हम स्वरों का प्रयोग इनके साथ नहीं करेंगे तब तक ये पूर्ण नहीं होंगे, अपने आप में अर्धी रहेंगे। तो अधिकतर जो ये ए होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये ए है ये व्यंजनों का पूरक है, और बाद में अगर इसके साथ कोई भी स्वर लगेगा, जैसे क है, हमारा क आधा है, जब तक इसके साथ ये ऐप नहीं लग जाता तभी हमारा ये स्वर क्या होगा, पूरा होगा। इसी प्रकार अगर इनके साथ ई ऊ आदि लगते हैं तो इससे भी क्या होता है, उससे भी हमारे स्वर पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ई की मात्रा अगर इसके साथ हमारा जो व्यंजन है आधा है, इसके साथ ई आ गया, इसके आगे ये आ गया, तो भी हमारा व्यंजन क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस प्रकार जो हमारे व्यंजन है इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। छात्रों, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन पहले तीन प्रकार के माने जाते हैं, परंतु आधुनिक व्याकरण में व्यंजनों के चार प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा जो व्यंजन है, सबसे पहले है हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है इनको क्या कहते हैं, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरे हैं हमारे अंतस्थ है, दूसरे कौन से हो गए हमारे, अंतस्थ है। अंतस्थ है यानी कि इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, इन व्यंजनों को बीच के व्यंजन भी कहा जाता है। बीच के व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी स्थिति है इनको अर्ध स्वर भी माना जाता है और इनको जो है व्यंजन भी माना जाता है, इसीलिए इनको अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में, यानी कि इनको अर्ध स्वर के कारण इनको अंतस्थ कहा जाता है। और तीसरे हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का क्या अर्थ है, ऊष्म व्यंजन यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं, जब मुख से वायु निकलती है तो उच्चारण से जो घर्षण होता है उससे हमारे मुख से गर्म श्वास बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जो चौथे हैं हमारे फोर्थ नंबर के हैं, वो हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। कितने हो गए, संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो गया, चार प्रकार से हो गया। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ है, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, और चौथा हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। छात्रों, आज हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे स्पर्श व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन इनको इसीलिए कहा जाता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है, जीवा का जो है उच्चारण करने में मेन रोल होता है, मुख्य रोल होता है। तो जो हमारी जीवा, जो हमारा वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र यानी कि जिससे हम उच्चारण करते हैं, तो वो हमारी जीवा वाद्य यंत्र के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 मानी जाती है। कितनी संख्या मानी जाती है इनकी, 25 मानी जाती है। तो जो स्पर्श व्यंजन है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। अब हम इनको समझने के लिए कचट तत्व का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, हमारे 5 वर्ग हो गए। कैसे बन गया हमारा क वर्ग, चैसे बन गया च वर्ग, और टैसे बन गया टै वर्ग, और तैसे बन गया तय वर्ग, और पैसे बन गया हमारा पै वर्ग। तो कितने हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। तो क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, कितने व्यंजन आएंगे, क वर्ण के अंतर्गत 5 व्यंजन आएंगे। कौन कौन से आएंगे, क, ख, घ, घ और अंग। तो कितने हो गए, ये 5 हो गए। इसी प्रकार च वर्ग है हमारा,
च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, च छ ज झ और एम। इसी प्रकार हमारा ट वर्ग है, ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ट ठ डे ढ और अण, ये पांचों जो है ट वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब है हमारा ट वर्ग के अंतर्गत कौन से आएंगे, ते थे दे धे और ने आ जाएगा। अब हमारा लास्ट बचा पे वर्ग, पे वर्ग में कौन कौन से आएंगे, पे फे बे भे और मैं। तो ये कितने हो गए, पांच वर्ग हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच वर्ग हो गए। और पांचों वर्ग में कितने कितने व्यंजन है, पांच पांच वर्ग व्यंजन है, एक दो तीन चार पांच। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 25। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, पांचवा व्यंजन है, इनको पंचम वर्ण भी कहा जाता है और इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पांचों क्या कहलाएंगे, पंचम वर्ण कहलाएंगे और अनुनासिक वर्ण भी कहलाएंगे। तो छात्रों आज हमने स्पर्श व्यंजनों का बारीकी से अध्ययन किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है दूसरे से यानी कि अंतस्थ है और बाकी का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।